नमस्ते दोस्तों, क्रिएटर्स को अपडेट देने के लिए बने साल के इस आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। नया YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन सिस्टम। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन से पता चलता है कि YouTube पर किस तरह का कंटेंट अपलोड किया जा सकता है और किस तरह का नहीं। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन की वार्निंग मिलने पर क्रिएटर्स खास तौर पर तैयार किए गए ट्रेनिंग कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने पर क्रिएटर के चैनल से वार्निंग हटा दिया जाएगा। ऐसा तब होगा जब क्रिएटर्स 90 दिन के अंदर उसी पॉलिसी को दोबारा वायलेट नहीं करते हैं। पहले क्रिएटर्स को चैनल पर हमेशा के लिए एक ही वार्निंग मिलती थी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब अलग अलग पॉलिसी को वायलेट करने पर उन्हें अलग अलग वार्निंग मिलेंगी। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि उनके कॉन्टेंट पर किन वजहों से पॉलिसी वायलेट करने की वार्निंग मिलती है। साथ ही उन्हें एक से ज़्यादा कोर्सेस में शामिल होकर पॉलिसी के बारे में जानने से ज़्यादा मौका मिलेंगे। हमारा मानना है कि इस अपडेट से हमारे पॉलिसीज का पालन करने वाले बहुत से क्रिएटर्स को फायदा मिलेगा। साथ ही इससे YouTube को सभी के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार प्लेटफॉर्म बनाए रखने में मदद मिलेगी। YouTube क्रिएट ऐप। YouTube क्रिएट ऐप के जरिए सीधे अपने फोन से आसानी से वीडियो और शॉर्ट्स एडिट किए जा सकते हैं। आपका आइडिया चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, YouTube क्रिएट की मदद से उसमें जान डाली जा सकती है। इस ऐप के लिए आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी पाने और ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक्स पर जरूर जाइए। वीडियो में टैग किए गए प्रोडक्ट्स के लिए टाइमस्टैम्प्स। हमने छुट्टियों के सीजन के लिए शॉपिंग की नई सुविधा उपलब्ध कराई है बिल्कुल सही समय पर। इसकी मदद से अब वीडियोस में टैग किए गए प्रोडक्ट्स के लिए टाइमस्टैम्प्स भी जोड़े जा सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को सही समय पर प्रमुखता से दिखाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। टैग प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड टाइमस्टैम्प्स पर क्लिक करें। इसके बाद जब आपके वीडियो में टाइमस्टैम्प्स वाले प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तब दर्शकों को शॉपिंग बटन भी दिखाया जाएगा। ध्यान दें कि टाइमस्टैम्प्स सिर्फ लंबी अवधि वीडियो में जोड़े जा सकते हैं। ये वीडियो कम से कम एक मिनट के होने चाहिए। साथ ही दो टाइमस्टैम्प्स के बीच कम से कम 30 सेकंड्स का अंतर होना चाहिए। छुट्टियों के इस सीजन में यह सुविधा जरूर आजमाइएगा। शॉर्ट वीडियो में मिलते जुलते वीडियो। चाहे आपका कोई नई वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो या लाइव स्ट्रीम, अब उसे शॉर्ट वीडियो में लिंक करके दर्शकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दर्शकों को शॉर्ट से अपने किसी दूसरे कंटेंट पर ले जाने पर रिलेटेड वीडियो फीचर का इस्तेमाल करें। अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने के बाद डेस्कटॉप पर यूट्यूब स्टूडियो खोलें। इसके बाद कॉन्टेंट पर जाकर आपके शॉर्ट वीडियो की डिटेल दिखाने वाले आइकॉन पर क्लिक करें। रिलेटेड वीडियो पर जाइए। इसके बाद दर्शकों को जिस कंटेंट पर ले जाना है उसका लिंक जोड़ने के लिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करें। यह जरूर देखें कि जिस कंटेंट को अपने लिंक किया है वह पब्लिक या अनलिस्टेड हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि यह कंटेंट शॉर्ट वीडियो एक ही चैनल से हो। इसके बाद सेव पर क्लिक करें। अब दर्शकों को आपके शॉर्ट वीडियो पर एक लिंक दिखेगा जिससे वे सीधे उस कंटेंट पर पहुंच जाएंगे। चैनल से जुड़े खास लिंक्स को दिखाना। अब चैनल की प्रोफाइल में लिंक्स भी जोड़े जा सकते हैं। ये लिंक सब्सक्राइब बटन के पास दिखेंगे। इस जगह का इस्तेमाल वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल्स, मर्चेंडाइज बेचने के लिए साइट और इसी तरह के दूसरे लिंक्स शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लिंक्स का हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक होना जरूरी है। कुल 14 लिंक्स जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब स्टूडियो के कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाइए और फिर बेसिक इन्फो पर क्लिक करें। इसके बाद लिंक सेक्शन में ऐड लिंक पर क्लिक करके अपनी साइट का टाइटल और यूआरएल डालें। इसके बाद पब्लिश पर क्लिक करें। पोस्ट से जुड़े अपडेट्स। हमारे पास आपको बताने के लिए पोस्ट से जुड़े दो अपडेट्स हैं। पहला, पोस्ट से जुड़ा फीचर अब सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आपके दर्शक चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब इस्तेमाल करते हों, उन्हें आपकी पोस्ट देखने और इनसे इंटरैक्ट करने का फीचर मिलेगा। हम क्विज वाली पोस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। इससे आपको अपने दर्शकों का नॉलेज टेस्ट करने का एक मौका मिलेगा। क्विज वाली पोस्ट बनाने के लिए क्विज आइकॉन को चुनें। पोस्ट के मुख्य सेक्शन में अपना सवाल लिखें। इसके बाद आंसर बॉक्स में अपने जवाब लिखें। ज्यादा से ज्यादा 4 जवाब लिखे जा सकते हैं। सही जवाब के आने वाले बगल को चुनें। अगर आपको इस जवाब से जुड़ी कोई एक्सप्लेनेशन भी देना है तो उसी भी लिखें। इसे आज ही आजमाइएगा। शॉर्ट वीडियो में सवाल जवाब वाले स्टिकर। अब शॉर्ट वीडियो में सवाल जवाब वाले स्टिकर्स जोड़ जा सकते हैं। इन स्टिकर को जोड़ने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद Q&A पर टैप करें। इसके बाद आपको दर्शकों से जो सवाल पूछना है उसे लिखें। स्टिकर का रंग, साइज और उसकी जगह बदली जा सकती है। जब कोई दर्शक आपके सवाल का जवाब देता है तो उसका हर जवाब कॉमेंट में दिखता है। यह जवाब पब्लिक होता है, इसलिए बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके हमें बताइए कि इन अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है। आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।